हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय गार्डन माय होम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, अपडेट देने वाला हूँ अपने घर में लगाई हुई ग्रेप्स की वाइन्स के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है माजरी मेडिका ग्रेप्स वाइन। तो ये जो अंगूर की बेल है इसमें देखिए, इसमें पत्ते भी निकले हैं, बहुत अच्छी स्प्राउटिंग हो चुकी है और काफ़ी अच्छी, ये देखिए यहाँ पे इसमें पत्ते काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। ये ग्राफ्टेड है, यहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग हुई है और ये जो वैरायटी है माजरी मेडिका वैरायटी है, ये देखिए। तो इसका पहले मैंने अपडेट दिया था जिसमें इसके बड्स अपीयर हो रहे थे, तो आज आगे का इसका अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये मेनली जूस पर्पस के लिए है और एज ए टेबल ग्रेप्स भी यूज़ होते हैं, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ब्लैक कलर की होती है और सीडेड होती है, लेकिन जूस इसका मीठा होता है और इसका जो TSS है 20 डिग्री ब्रिक्स से ऊपर ही रहता है, काफ़ी मीठी वैरायटी है। ये दूसरी जो ग्रेप्स की वाइन है जो आप देख रहे हैं ये है रेड फ्लेम सीडलेस वैरायटी। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं, पत्ते निकलने शुरू हो गए, काफ़ी अच्छी स्प्रोटिंग इसमें भी हो रही है, देख सकते हैं आप। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें भी जो ग्रेप्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं, राउंड होते हैं, गोल होते हैं और रेड कलर के होते हैं और सीडलेस वैरायटी, और TSS का बहुत हाई होता है, 24 डिग्री ब्रिक्स होता है, बहुत मीठी वैरायटी है ये ग्रेप्स की। तो इसका अपडेट आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसमें ये ब्रांचेज जो है पत्ते निकलाए। ये थर्ड वैरायटी जो है ये है माजरी किसमिस वैरायटी, जो किसमिस बनाने के काम आती है। तो इसमें भी देखिए स्प्रोटिंग शुरू हो गई है, इसका भी अपडेट मैंने पहले दिया था, तो बर्ड्स इसकी उस टाइम निकल रही थी, लेकिन अब ये बर्ड्स जो है निकल आई हैं और पत्ते इसके बनने शुरू हो गए। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और किशमिश बनाने के काम आती है मीठी, और इसका भी TSS जो है 20 डिग्री ब्रिक्स से ऊपर ही रहता है। ये भी ग्राफ्टेड वैरायटी है, यहाँ पे इसकी ग्राफ्टिंग हुई है। ये जो वैरायटी है ये वैरायटी है माणिक चमन वैरायटी, इसमें भी देखिए स्प्रोटिंग हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है और पत्ते इसमें भी आने शुरू हो गए। ये वैरायटी भी अच्छी होती है, सीडलेस है, ग्रीन कलर की और ओवल शेप में होती है, इसका भी TSS जो है 20 डिग्री ब्रिक्स तक रहता है। ये भी ग्राफ्टेड है, देखिए यहाँ पे इसकी ग्राफ्टिंग हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चली हुई है। मेरे पास रूटेड प्लांट्स हैं फ्लेम सीडलेस वैरायटी, इसमें अभी बर्ड्स नहीं आए हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ और इसका अपडेट भी मैं आपको देता रहूँगा। ये पूसा त्रिसार वैरायटी है, इसमें भी अभी हल्का सा यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक बड्स निकलना शुरू हुआ है, तो ये भी अच्छी वैरायटी और इसका भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों, ये जो वैरायटी है ये है सुधाकर रेड वैरायटी, इसमें भी जो ग्रेप्स होते हैं रेड कलर के होते हैं और ये भी ग्राफ्टेड वैरायटी, यहाँ से ग्राफ्टिंग हुई और इसके भी पत्ते निकलने शुरू हो गए और इसकी भी आपको मैं आगे अपडेट देता रहूँगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये मुनक्का की वैरायटी है, ये सीड से मैंने ग्रो किया है, तो इसमें भी देखिए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं और ये मुनक्का की जो वैरायटी है बड़े साइज़ का मुनक्का है, किंग साइज़ का मुनक्का, तो उसके बीज मैंने लगा दिए थे, तो ये भी प्लांट जो है लास्ट ईयर में ग्रो हो गया था और अब देखिए इसके भी पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से ये दूसरा मुनक्का का प्लांट है, तो इसमें भी पत्ते आने शुरू हो गए। तो दोस्तों, इसका अपडेट मैं आपको टाइम टाइम पर देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।